मंगलवार को नागरिक एकता समिति का प्रतिनिधिमंडल के राष्ट्रीय महासचिव फैजान सलमानी की अगुवाई में वार्ड 15 और वार्ड 8 के जनहित की समस्या को लेकर अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनसे सड़क बनवाने को और जलकल की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की गई और कहा गया कि हिमगिरी कॉलोनी स्थित नोगाजी जायरत पर सरकारी हैंडपंप लगा हुआ है, जिसमें से काफ़ी टाइम से रेता आ रहा है, जिसकी शिकायत जलकल के महाप्रबंधक से पिछले 5 महीने में कई बार की जा चुकी है, लेकिन उसे अभी तक रिबोर नहीं कराया गया, जिससे कि वहां आने वाले जायरीन को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वहीं वार्ड 15 की गुलाब बाग, सुंदर नगर, आफरीन कॉलोनी और ईदगाह वाली सड़क बनवाने की मांग की गई। वहीं इन्हीं इलाकों में कई जगह से पानी की पाइपलाइन से लीकेज को दुरुस्त कराने की मांग की गई। इस दौरान ज्ञापन सौंपने वालों में नईम रजा, फैजान सलमानी, दीपक रस्तोगी, डॉक्टर शफीक अहमद, मुस्तकीम इदरीस, जावेद अख्तर, कासिम अली, जमीर अलवी, रशीद मलिक, सराफत हुसैन आदि लोग मौजूद रहे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम फैजान सलमानी है, मैं नागरिक एकता समिति राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज हमारे नागरिक एकता समिति का एक प्रतिनिधिमंडल नगर अपर नगर आयुक्त साहब से मिलेगा, जिसमें हमने वार्ड 15 और वार्ड 8 की जन समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त साहब को अवगत कराया है। इसमें हम काफ़ी टाइम से हम सड़कों की बदहाली की व्यवस्था को लेकर हम नगर आयुक्त साहब से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई हल नहीं हो पा रहा है। वहीं ऐसी बाढ़ आड़ में जल कल की विभाग की लापरवाही काफ़ी टाइम पिछले पाँच महीने से हम लोग महाप्रबंधक को अवगत कराना है कि समस्याओं को दूर करिए, लेकिन कोई अभी तक कुछ नहीं हुआ, जिसको लेकर आज हम नगर आयुक्त साहब से मिले हैं, समस्याओं का निस्तारण के लिए हमने मांग की। कोई संदेश क्या मांग है आपकी? अगर जल्दी इन समस्याओं को निस्तारण नहीं किया तो हम लोग पूरे समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ साथ हमारे क्षेत्र के लोगों को लेकर हम आंदोलन पर बैठेंगे।